गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश शर्मा फ्रॉम शिवप्रत सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट ऑफ 1, 2, 3। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई लेस देन वन। एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट इज टेन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। क्लियर? तो इसका हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो कंडीशन है एक्स वाई इज लेस देन वन, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम लेंगे। एक्स वाई इज लेस देन वन, तो एक्स वाई लेस देन वन पे केस कितनी बनती है चेक कर लेते हैं आप स्टूडेंट्स। एक्स वाई इज लेस देन वन, एक्स वाई लेस देन वन पे एक्स, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो सकती है व्हेन, फर्स्ट केस वन में व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो ये क्या होगा, इम्प्लाइज करेगा एक्स वाई इज लेस देन वन। क्लियर? एंड सेकेंड इज व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो, तो ये भी इम्प्लाइज करेगा किसको, एक्स वाई लेस देन वन को। क्लियर? एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो मीन्स बोथ आर पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन वन आएगा। ठीक है, तो लेस देन वन यहाँ रख देखें, वन एंड दिस ज़ीरो, दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टू। ठीक है ना? तो ग्रेटर देन जीरो मीन्स ये वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं वाई एक्स इज इक्वल टू वाई पे भी, यही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन वन आएगा। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स ये एंड वाई लेस देन जीरो मीन्स ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन वन आएगा। ठीक है, एंड थर्ड केस इज व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी किसको इम्प्लाइज करेगा, एकदम सेम सेकंड केस के जैसा है, ये भी वन को इम्प्लाइज कर। ठीक है, तो ऐसे तीन केस इसमें पॉसिबल है, तो सबको वन बाई वन लेके प्रूव करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ भी एग्ज़ाम्स में नहीं आता है और हम इस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करेंगे कि ये कितने केस में डिवाइड है, वन बाई वन हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसा है नहीं, हम सिंप्लीफाई इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी प्रूफ करेंगे क्या इसका प्रूफ है। ठीक है ना, तो लेट अस प्रूफ प्रूफ फर्ट्स फर्स्ट। क्लियर? लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, ये इम्प्लाइज करेगा tan a इज इक्वल टू x एंड tan इनवर्स x सॉरी y इज इक्वल टू b, देन tan y सॉरी tan b इज इक्वल टू y। वी नो दैट tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a into tan b, therefore tan a plus b is equal to tan a, tan a is equal to x plus tan b is equal to y upon 1 minus tan a is equal to x into tan b is equal to y, therefore a plus b is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. clear? put the value of a and b, a is equal to tan inverse x plus b is equal to tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. clear? this is the proof of
first part, property number 4. We can prove second part of property number 4. Clear? Second part को भी prove कर सकते हैं this type में. वहाँ पे formula लगेगा tan a minus b का. tan a minus b equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan into tan b. ठीक है? Please pause the video to note it down. Next formula is 2 tan inverse x is equal to sin inverse 1 plus 2x upon 1 plus x square, where x modulus x is less than or equal to 1. Second is 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, where x greater than or equal to 0. And third is 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, where minus 1 is less than x is less than 1. So 2 tan inverse x ka 3 formula hota hai, sin inverse 2x upon 1 plus x square, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and tan inverse 2x upon 1 minus x square. Ye 3 फार्मूलाज होता है टू टेन इनवर्स एक्स का. तो जहाँ पे जैसा यूटिलाइजेशन होगा, जिस तरीके क्वेश्चन होगा, जो प्रूफ करना होगा, जो आंसर लाना होगा, उस तरीके का, उस टाइप में यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. क्लियर? साइन के फंक्शन में आंसर चाहिए तो साइन यूज़ कर लेंगे, कॉस के फंक्शन में आंसर चाहिए तो कॉस यूज़ कर लेंगे, एंड लास्ट टेन के फंक्शन में आंसर चाहिए तो हम टेन यूज़ कर लेंगे. ठीक है ना? तो कोई भी एक फार्मूला हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल टू प्रूफ कर लेगा. ठीक है, लेट RHS प्रूफ कर लें. RHS x इज इक्वल टू टेन थीटा. ठीक है? इन क्लास 11 वी हैव स्टडी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. ठीक है? क्लास 11 में लोगों ने पढ़ा था कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो इसलिए हम कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आगे पुट कर देंगे. देन कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट, 2 थीटा. क्लियर? इज इक्वल टू 2 थीटा. मीन्स थीटा मीन्स इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स. टेन इनवर्स एक्स. क्लियर? 2 टेन इनवर्स एक्स. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज नंबर 5. क्लियर? सिमिलरली यू कैन प्रूव फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट. ठीक? प्लीज वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन. देन स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज अब खत्म हुई, एग्जाम्पल अब सॉल्व कर रहे हैं पहले. ठीक है? नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज की होगी, लेकिन उससे पहले बता दें कि जितनी प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, पहले आप उसको पूरे बढ़िया तरीके से लर्न कर डाले. ठीक है? तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है. साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई रूट 2. ठीक है? तो मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ाई, उस प्रॉपर्टी में आपको ये बताया था कि ये जो बगल में टर्म एंड कंडीशन गिवन होती है, इस पर आप ध्यान न देंगे, आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है? एक चीज़ और आप बता दें, अगर रूट में कुछ ऐसा गिवन हो, या फिर कुछ इस तरीके से गिवन हो. ठीक है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन हो, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन हो, और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन. ठीक है? तो इसमें एक्स को अगर एज्यूम करना हो, एक्स को एज्यूम करना हो तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करना, और एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा. क्लियर? एक्स को साइन थीटा एज्यूम कर लेना, या एक्स को कॉस थीटा एज्यूम कर लेना. इस तरह की, इस टाइप की क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा और
एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। एंड लास्ट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ रूट्स हैव इन एक्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा, एंड लास्ट एक्स इज इक्वल टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक। तो यहाँ पे दो केस है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसमें से क्या गेस करें, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू कॉस, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका है, तो मैं फर्स्ट प्रूव कर रहा हूँ, सेकंड आप सॉल्व करिएगा। तो फर्स्ट में कैसे देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है थोड़ी सी हेल्प हम इसके लेंगे, तो इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम गेस इरेज कर रहे हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। एक्स को साइन थीटा एज्यूम करेंगे तो यहाँ इम्प्लाइज क्या करेगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इम्प्लाइज है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू लाई करेगी साइन के इनवर्स, साइन इनवर्स पे, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे, दोनों पे हम शो कर दे रहे हैं। तो देखिए देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा इम्प्लाइज है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड माइनस वन बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू वन बाई रूट टू, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो थीटा की वैल्यू में फाइंड करना है, साइन इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा, साइन इधर भी जाएगा इनवर्स में, देन साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, क्लियर। साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू इज इक्वल टू साइन रेंज ऑफ साइन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये होती है इसकी, सॉरी इसकी रेंज डोमेन यही होती है ना, यहाँ पे इस लिख देंगे इसको, सॉरी रेंज होती है, ये जाएगा आपका साइन माइनस वन के पहले आगे लिखते हैं माइनस साइन पाई बाई फोर, क्लियर। इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर, क्लियर। साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई फोर, क्लियर। एंड टू थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इंटू टू, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू इंटू वन बाई फोर इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड पाई बाई टू इज लेस देन इक्वल टू टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। मीन्स जो टू थीटा की रेंज आई है वो माइनस पाई बाई टू से ऐसे कर दें, इम्प्लाइज दैट टू थीटा बिलोंग्स इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लियर। और आपको मालूम है कि जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होती है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा में यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा पे ये वैल्यू नहीं आएगा, ठीक। चेक कर लेते हैं एक बार उसको भी, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, माइनस वन बाई रूट टू इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन बाई रूट टू, मीन्स कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू, क्लियर।
कॉस इनवर्स, देखो कॉस की जो रेंज होती है जीरो टू पाई होती है, क्लियर, जीरो टू पाई, कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा आपका कॉस, ठीक है, जब होगा कॉस, क्योंकि यहाँ पे जीरो डिग्री है, पहले तो यही जान लो ये जीरो डिग्री हो है, ठीक है, तो जीरो डिग्री यहाँ पे है आ ही नहीं रहा, पहले बात यही जान लो कि जीरो डिग्री होना चाहिए आपका, कॉस समथिंग है, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन होनी चाहिए, यहाँ पे तो वन ही नहीं हो रहा पहले, ठीक है, पहले तो यहीं से ही चेक हो जा रहा है कि ये वैल्यू जीरो आ ही नहीं रही है, तो जीरो आने का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू वन होना चाहिए, तो कॉस वन होगा आपका जीरो, यहाँ पे वन है ही नहीं, ठीक है, तो कॉस इनवर्स, कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड सेकेंड में जाएगा पाई माइनस वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू मीन्स पाई बाई फोर, क्लियर, ये हो जाएगा आपका ऐसा, इज लेस देन इक्वल टू थीटा, इज लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू, पॉजिटिव आपका हो जाएगा पाई बाई फोर, सॉरी ऐसा करते हैं कॉस पाई बाई फोर मीन्स कॉस इनवर्स, कॉस कॉस कैंसिल आउट, पाई माइनस पाई बाई फोर, फोर वन सर फोर माइनस वन, थ्री पाई बाई फोर इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा, इज लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट पाई बाई फोर। अब ये चेक कर लो, ये आइडेंटिटी रॉन्ग हो गई आपकी, ठीक है, ये आपका हो गया 135 और ये आपका हो गया 45 थीटा, कुछ ऐसा है, ये आइडेंटिटी गलत हो गई, सीधे सीधे ये केस ही रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या केस क्या हो जाएगी गलत, ठीक है, विच इज रॉन्ग, विच इज, इसलिए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा जो होगा, जो मैंने एज्यूम किया है वो रॉन्ग होगा, ठीक है, कॉस साइन थीटा की जो केस होगी एग्जैक्ट सही होगी, यहाँ पे कहेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर, साइन थीटा पुट करेंगे देन साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स स्क्वायर रूट के बाद कॉस थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, क्लियर, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट इक्वल टू एंड थीटा टू थीटा इज इक्वल टू थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स, क्लियर, हैंस प्रो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि इस केस पे हमको काम करना पड़ता है, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर टू स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, योर प्रॉपर्टी इज टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ठीक है, प्रूव दैट टैन इनवर्स वन बाई टू प्लस टैन इनवर्स टू बाई इलेवन इज इक्वल टैन इनवर्स थ्री बाई फोर, क्लियर, एंड टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एंड टैन इनवर्स ऐसा करते सिंस टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यूटिलाइज कर लो इसको, टैन इनवर्स एक्स, एक्स मिस वन बाई टू प्लस वाई मिस टू बाई इलेवन अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स मिस वन बाई टू इंटू वाई, वाई मिस टू बाई इलेवन इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्लियर, इलेवन वन सर इलेवन प्लस टू टू सर फोर अपॉन, देखो एलसीएम, आफ्टर एलसीएम, आफ्टर एलसीएम डिनोमिनेटर आर कैंसिल आउट, टू इलेवन, टू इलेवन आर कैंसिल आउट, ठीक है, इलेवन टू सर ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू वन सर ट्वेंटी टू माइनस टू वन सर टू, क्लियर, देन टेन इनवर्स इलेवन फोर 15 एंड 22 माइनस 2 20 5 3 सर 5 4 सर इक्वल टू टेन इनवर्स 3 बाई 4 दिस इज द प्रूफ सर हैंस प्रूफ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थ्री एक्स प्लस टेन इनवर्स कॉस अपॉन 1 माइनस आई एन एक्स
वेयर माइनस पाई बाई टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री बाई पाई टू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस एक्स अपान वन माइनस साइन एक्स, देखो टेन इनवर्स के जो डोमेन है कॉस एक्स अपान वन माइनस साइन एक्स, तो इसको ब्रेक करना है और इससे सॉल्व करना, ठीक है। तो आपका पूरा टारगेट ये होना चाहिए जो टेन इनवर्स के डोमेन है वो कॉस कॉस एंड साइन के फॉर्म में है, चेंज इंटू कॉस एंड साइन इंटू टेन फॉर्म, ठीक है। तो कॉस और साइन को चेंज करना है हमें टेन के फॉर्म, आपका टारगेट ये होना चाहिए कॉस और साइन को चेंज करना किस में, टेन के फॉर्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स, देखो कॉस ए इज इक्वल टू, एक फार्मूला पढ़ेंगे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, इन क्लास इलेवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, एंड कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, ठीक है। एंड वन वन वी कैन राइट एज वन इज इक्वल टू साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, एंड साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, क्लियर। कॉस ए कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन ए मीन साइन एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए, साइन इज इक्वल टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और साइन टू ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, क्लियर। सब क्लास इलेवेंथ के ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे फार्मूला आएगा टेन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू ए माइनस बी ऑफ द होल स्क्वायर, ए माइनस बी ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। और आपको मैंने एक फार्मूला बताया कि टेन ए प्लस बी, अगर प्लस साइन है तो टेन ए प्लस बी के लिए फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन, दिख नहीं होगा आपको स्टूडेंट्स, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे सेटल करेंगे तो यहाँ पे टेन का फॉर्म आएगा एंड टेन इज कैंसिल आउट विद टेन इनवर्स, तो कैसे होगा यहाँ पे देखो टेन इनवर्स कॉस कॉमन कॉस बाई कॉस एक्स बाई टू कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा वन प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, नीचे से भी आप कॉस एक्स बाई टू कॉमन कर लीजिए, वन माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, कैंसिल हो गया, क्लियर। इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन, वी कैन राइट एज वन इज इक्वल टेन पाई बाई फोर, यहाँ पे देखो मैं एक फार्मूला लेके आना टेन ए प्लस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे टेन का फॉर्म होना चाहिए इसलिए मैंने वन को टेन पाई बाई फोर कर लिया, ठीक है। वन इज इक्वल टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन, वन को वैसे रखते हैं क्योंकि देखो आप फार्मूला चाहिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस, इसलिए वन को वैसे रखना, फिर वन यहाँ पे लिख लें वन माइनस वन इंटू, ऐसा कर लें वन माइनस वन इंटू टेन एक्स बाई टू, इस वन को लिख सकते हैं हम लोग टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू,
टैन इनवर्स टैन, देखो यहाँ पे फार्मूला रेडी है आपका, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस बी, ए मीस पाई बाई फोर प्लस बी मीस एक्स बाई टू, क्लियर। टैन इज कैंसिल आउट टैन इनवर्स, आंसर इज पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, क्लियर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल सिक्स एंड एग्जाम्पल एट स्टूडेंट्स है, सेवन आप सेल्फ करिएगा, और नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल सिक्स यहाँ पे देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो रूट का जो टाइप है एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैंने बताया सेक थीटा एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करेंगे सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा एज्यूम कर लेते हैं, कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, देन कॉट इनवर्स वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट इज इक्वल टू कैंसिल आउट थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो 2.2 एक्सरसाइज हिंट्स एंड सोल्यूशन, थैंक्स।